तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों की हाल चाल मजा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी जाति से, अगर हिंदू हो तो लगा लूंगा अपनी छाती से। जय श्री राम भाई। आतंकवादी खत्म हो रहा है, कांग्रेस परेशान, कांग्रेस खत्म हो रही है, आतंकवादी परेशान, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता दीजिएगा। तो आज की वीडियो में आप लोग इस क्लिप को मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिप होने वाली है, बहुत ही नॉलेजेबल, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं हम अपने आज के चलचित्र। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा जिससे कि अपनी वीडियो की रीच बनी रहे। अभी तो शायद नहीं पहला है, अब सुबह देखेंगे पहलते हैं नहीं पहलते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। Happy No Hijab Day, ladies. May you feel the wind in your hair and the sun on your cheeks and do whatever you want, whenever you want, and wear whatever you want, whenever you want. फिलहाल आज नो हिजाब डे तो नहीं है, बट सोचने वाली बात है, एक काले बोरे में कैसे पैक रह लेती हैं, जहाँ सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो। चलो सर्दियों में तो चलता है, बट गर्मियों में भी कैसे। मेरा कहना सिर्फ इतना, जल्द से जल्द ये बुरखा बैन होना चाहिए। मेरी जो मुस्लिम बहनें हैं उन्हें भी फ्रीडम फील होनी चाहिए, ना कि एक काली बोरी में बंद होकर घर में बैठी रहें। उन्हें भी खुलकर जीने का हक है। भरोसा नहीं करते, दुर्भाग्य यही है कि देश के कुछ मुस्लिम देश पर भरोसा नहीं करते, देश के वैज्ञानिक पर भरोसा नहीं करते। हमारी इसी बात की लड़ाई है कि आप हमने देश के वैज्ञानिक पर भरोसा नहीं करते, देश की पुलिस पर भरोसा नहीं करते, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं करते। उनकी आस्था पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में चले जाएं, यहां के वैज्ञानिकों पर आस्था और उनकी वैज्ञानिकता पर कोई शक न करे। थैंक यू। अपने तीनों चैनल्स पर स्ट्राइक आने की वजह से वीडियोस डेली नहीं आ पा रही हैं। आशा करता हूँ कि आप सबका सपोर्ट मिलेगा, इसीलिए एक बैकअप चैनल खोला है। आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ। वीडियो को देखते देखते उस लिंक पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको डेली वीडियोस मिलेंगी। सर, ये लोग जो आपत्ति उठाते हैं वो दो ही बात कहते हैं कि अंग्रेजों से माफी मांग ली और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर चलते रहे, हकीकत क्या है इसके बारे में? देखो, पहली बात तो माफी कहीं मांगी नहीं है, उन्होंने आवेदन किया था अपनी रिहाई के लिए, और वो एक हर कैदी का अधिकार है रिहाई का आवेदन करना। और केवल सावरकर नहीं, सभी क्रांतिकारियों ने ऐसे आवेदन किए थे और सभी सावरकर जी के पहले छूट चुके थे। ये चिट्ठी है मध्य प्रदेश हिंदू महासभा के अध्यक्ष की सावरकर जी को, उन्होंने कहा है कि रविशंकर शुक्ल जो आगे चलकर मुख्यमंत्री बने और पटेल के बहुत नजदीकी थे, उन्होंने वो आपसे मिलना चाहते हैं और वो आपकी जल्द से जल्द सरदार पटेल से बात कराना चाहते हैं, और क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका प्लान क्या है। ये पत्र मेरे पास है और ये पत्र की तारीख है 12-13 को पटेल रिजाइन करने की देते हैं, 12 की है, पॉलिटिकल रियलाइनमेंट वॉज देयर। तो इसीलिए सावरकर को पहला बार जो हुआ उनको गांधी हत्या में फंसाया गया, उनके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं था और सरकार अपील में भी नहीं गई, उनको छोड़ दिया और अपील में भी नहीं गई सरकार, मगर हिंदू सभा खत्म हो गई। और इसके बाद जब हिंदू सभा खत्म हो गई तो इंदिरा गांधी ने सावरकर जी को, उनको डर नहीं था, उन्होंने सावरकर जी की स्तुति की, खुले मन से की, मगर जब वाजपेयी सरकार वापस आ गई तो इनको सावरकर में खोट दिखने लगी। तो ये केवल और केवल सत्ता का राजकारण है, मगर सत्ता के लिए कृपया राष्ट्रपुरुषों को बदनाम ना करें।
क्या टू नेशन थ्योरी सावरकर जी ने दी थी, क्योंकि उनकी आलोचना करने वाले बार बार कहते हैं रंजीत जी कि टू नेशन थ्योरी उन्होंने पुणे में कहा था कि जिन्ना की टू नेशन थ्योरी नहीं है, ये मेरी है, क्या ये सच है? टू नेशन थ्योरी सावरकर जी के जन्म के पूर्व कुछ महीने पहले 1883 में सर सैयद अहमद ने अपने एक लेख में लिखी, बाद में 1885 में अपने भाषण में दी, बाद में इकबाल ने उसे 1930 के अधिवेशन में उन्होंने वो थ्योरी आगे की और बाद में जीना ने की। और सावरकर का एक कहीं एक एक प्रेस कटिंग आया था तो उस पर सावरकर जी ने तुरंत ये किया कि मैंने ऐसा कहा नहीं, ये इन्होंने कुछ मेरे भाषण के गलत अंश लिए। तो टू नेशन थ्योरी सावरकर तो उसके बाद अखंड भारत के लिए लड़ते रहे, आखिर तक उन्होंने अखंड भारत नहीं छोड़ा। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत फातिमा और आज मैं आप सभी लोगों से एक बहुत जरूरी बात करने वाली हूँ। मुद्दा है लड़कियों का खतना। ये सुनकर आप में से बहुत लोग चौंक गए होंगे क्योंकि खतना आमतौर पर लड़कों का होता है। मुझे भी ऐसे ही लगता था, पर करीब 4-5 साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम था प्रिंसेस। इस बुक में लड़कियों के खतने के ऊपर काफी डिटेल में लिखा गया है, तो अगर आपको इस टॉपिक में भी इंटरेस्ट है तो आप ये किताब जरूर पढ़ें। अब आप में से जो लोग नहीं जानते खतना क्या होता है, मैं समझाती हूँ। मुस्लिम और ज्यू समुदाय में छोटे लड़कों का जो लिंग होता है उसके आगे की खाल काट दी जाती है। पर ये तो बात हुई लड़कों की, अब आप सोच रहे होंगे कि लड़कियों के साथ क्या होता है। उनका काटा जाता है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस उनके शरीर का एक ऐसा अंग है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। यहाँ तक कि क्लिटोरिस के लिए आम भाषा में कोई शब्द ही नहीं है। संस्कृत में इसे भग्न शिश कहते हैं। ये खाल का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो लड़कियों की वजाइना की ओपनिंग के ठीक ऊपर होता है। ये बहुत ही दर्दनाक और रिग्रेसिव प्रथा है। छोटी छोटी बच्चियां महीनों तक दर्द से तड़पती रहती हैं। उनको पेशाब करने में बहुत तकलीफ होती है, अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं, सिस्ट हो जाता है। यहाँ तक कि जब वो बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं तो उन्हें काफी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। अब जब इस प्रथा के इतने सारे नुकसान हैं तो इसे करते ही क्यों है? वजह सुनकर आपको और भी अजीब लगेगा। ऐसा माना जाता है कि अगर लड़कियों का क्लिटोरिस काट दिया जाए तो वो सेक्सुअली एक्साइट नहीं होंगी, उनका सेक्स करने का मन नहीं करेगा, शादी से पहले वो वर्जिन और प्योर रहेंगी। यहाँ तक कि क्लिटोरिस को हराम की बोटी भी कहा जाता है। खैर, फिर भी लड़कियों का खतना दुनिया के बहुत सारे देशों में होता है, जैसे रूस, मिडल ईस्ट, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज, इंडिया और पाकिस्तान। जी हाँ, ये हमारे देश में भी होता है। भारत में कम्युनिटी है दाऊदी बोहरा, ये शिया मुस्लिम समुदाय का एक हिस्सा है। इनमें लड़कियों का खतना होता है। 2017 में द हिंदू ने एक ऑनलाइन सर्वे छापा था, उसके मुताबिक इस कम्युनिटी की 98% औरतों ने ये माना था कि उनका खतना हुआ है और 81% औरतों ने कहा था कि ये बंद होना चाहिए। एक महिला है मासूमा रनालवी, जब वो छोटी थी तो उनका भी खतना हुआ था ठीक उसी तरह। हाल में ही मासूमा ने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में एक चिट्ठी भी लिखी है। वो चाहती हैं कि मोदी इस प्रथा को खत्म करने में महिलाओं की मदद करें। सबसे डराने वाली बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस ने ये माना कि अगर खतने पे कोई रोक नहीं लगी तो 2030 तक 68 मिलियन लड़कियों का खतना हो चुका होगा और ये उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, उसका उल्लंघन है। खैर, हमारी तो यही दुआ है कि हर उस देश में जहाँ पे लड़कियों का खतना होता है वहाँ की गवर्नमेंट्स इसके ऊपर कोई एक्शन ले और इस प्रथा को रोके, ताकि किसी भी लड़की को बेसिर पैर के रिचुअल की वजह से महीनों तक दर्द से ना तड़पना पड़े। लिखा है आपने तो कुरान के बारे में पूरी दुनिया में जो बदतमीजियां की हैं, जिस तरीके से आपने झूठ फैलाया है, और आप भारत में कहते हैं आरएसएस और विश्व परिषद और ये तमाम सारे लोग भाई मुसलमानों के बड़े खिलाफ हैं। अरे शुक्रिया अदा करो कि ये हिंदुस्तान है। पूरी दुनिया में आप जलील हो रहे हैं, पूरी दुनिया में आपको मारा जा रहा है, पूरी दुनिया में इस्लाम के रूप को आपने प्रदर्शित किया है, आरएसएस और बीजेपी ने नहीं किया है। आरएसएस बीजेपी तो आज भी इस उम्मीद में है कि शायद ये एक दिन समझ जाएंगे और लौट आएंगे, वो तो अपनी एनर्जी इसमें लगा रहे हैं, लेकिन आप उनके भी एहसानमंद नहीं है। आप तो इस देश बैकेज चैनल का लिंक मैंने आप सभी के लिए पिन कमेंट में दे दिया है, तो जाओ जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत अच्छी लगी होगी।
तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे कि अपनी वीडियो की रीच बनी रहे। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।